सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मेरे पास फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड काफी अच्छा गुड न्यूज है और भी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। उससे पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते अपने फर्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि बॉस ऑफिशियल ने एक्सपोज किया था ज्ञान भाई के गिल्ड को और ज्ञान भाई को, फिर ज्ञान भाई ने लाइव पे उनको गाली वाली दिया था। उसी का रिप्लाई करते हुए बॉस ऑफिशियल ने एक फिर से वीडियो बनाए हैं और उन्होंने क्या रिप्लाई किया है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हेडफोन लगा लीजिए। तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन ज्ञान गेमिंग गिल्ड कि इसके गिल्ड के मेंबर्स हैकर के साथ खेल के गिल्ड वॉर की ग्लोरी को पुश कर रहे हैं। अगर तुमने उस वीडियो को देखा होगा तो उसके अंदर कोई भी गाली वाली या ज्ञान को मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद पता नहीं भाई को क्या ही तो चुल मच गई। उसके बाद अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में जाके भाई हग रहा है, अपने स्ट्रीम पे आके हग रहा है और इवन मेरे को गालियां वगैरह दे रहा। अब देख ज्ञान, तेरे को भी पता है मैं तेरी इज्जत करता था क्योंकि अब तू भाई उस इज्जत के लायक नहीं है। मतलब चूतिया है तू, पहले से पता था मेरे को, लेकिन इतना चूतिया होगा मेरे को नहीं पता था लिटरली। अब देखो, उसके बाद मैं उसी दिन सेम डे पे लाइव आके या फिर वीडियो बना के मां बहन कर सकता था, बट मैंने ये चीज करा नहीं। करा भाई, मैच्योर हो जा, तेरे 13 मिलियन। देखो, उस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने बता दिया। मेरे को किसी ने वो प्रूफ भेजे थे इंस्टाग्राम पे एंड मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर मैं गलत था अपने पॉइंट पे तो ये बंदा मेरे से बात कर सकता था, राय को या फिर ऋषभ को, किसी को भी बोल के मेरे को प्रूफ दिखाता कि नहीं इसके गिल्ड का वो बंदा नहीं, वो वीडियो मैं डिलीट कर देता। क्या ही है यार, भाई ने ऐसा कुछ करा नहीं। कूल बनने के चक्कर में भाई कुछ भी आके बोल रहा, और क्या बोल रहा कि मैं फेक कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ व्यूज के लिए। अच्छा, व्यूज की बात भाई कर भी कौन रहा है, ज्ञान सुजन लिटरली भाई, जिसके वीडियो के व्यूज अगर मैं तुमको दिखा दूं ना तो इससे अच्छे हाल भाई 500K वाले चैनल्स के होते हैं। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर है हमारे कम्युनिटी का, बट भाई तेरे हाल में क्या ही बताऊं। रायस्टार जब तक ना हो वीडियो के अंदर या फिर थंबनेल के अंदर या फिर टाइटल के, भले वो वीडियो के अंदर रायस्टार होगा या ना होगा, लेकिन इस बंदे के टाइटल में जरूर होगा रायस्टार। कोई भी हैकर रहेगा रैंडम रायस्टार का बाप हैकर, ऐसा टाइटल लगा कि ये भाई बंदा वीडियो छापता है और फिर भी गलती से इसके 100K व्यूज क्रॉस करते हैं। एंड ब्रो इज टॉकिंग अबाउट व्यूज, लॉल ओ श्रीके दे सकता है कि मैं तेरे से कंट्रोवर्सी करूंगा, फेक कंट्रोवर्सी करूंगा, बंदे भेजूंगा तेरे पास, मतलब इतने बुरी हरकतें करूंगा। भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, अपने जैसा चूतिया मत समझो सबको। भाई मेरे को ये बात पता भी नहीं थी कि ये स्ट्रीम में जाके इतना कुछ मेरे को बोला है। जब MJ09 जो वो न्यूज चैनल वाला उसकी वीडियो मैंने देखी सुबह के टाइम पे, तब मेरे को पता चला भाई ये इतना कुछ बक के गया मेरे बारे में। इतनी बकचोदी, इतनी गालियां देने के बाद तू स्ट्रीम के एंड में बोले कि मजाक कर रहा था, तो मेरे लौड़े पे तू और तेरा मजाक, समझा? 13 मिलियन ना अपनी गांड में घुसा ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता 13 मिलियन हो चाहे 33 मिलियन हो। किसी को भी कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया अगर कि सामने वाला बंदा कौन है। हर कोई श्रेय वाइटी और लैला नहीं होते कि तू कुछ भी बोल के चला जाएगा, वो शांति से सुन लेंगे। कुछ बंदे मेरे जैसे भी होते हैं कि वो घुमा के उल्टा गांड में। और उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ गरीना की बात करी थी और गरीना की मारी थी। मैंने गरीना के 2 पॉइंट्स तुमको बताए थे कि ये चेंजेस होने चाहिए और तुमने आज गेम के अंदर नोटिस भी देख लिया होगा कि वो चीजें हो भी गई है। फर्स्ट पॉइंट तो तुमको यहां पे दिख ही रहा है कि कोई भी प्लेयर अगर हैक यूज करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसकी आईडी बैन होगी और जो पॉइंट उसने करी होगी वो रिमूव हो जाएगा और गिल्ड के अंदर से भी वो पॉइंट को हटा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में देख लो, और यही दोनों चीजें मैंने बोली थी उस वीडियो के अंदर, जाओ उस वीडियो को देख के आओ। अब ज्ञान देख, तेरे को इतना अंग्रेजी तो समझ में आएगा नहीं तो तू किसी से पूछ लियो, क्योंकि ऐसे भी गवा रहे तू अब वैसे भी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस, आपको पता ही हुआ कि अभी हाल ही में एक फ्री फायर का लैन इवेंट हुआ जो कि 4 सालों के बाद हुआ। तो ऑरा गेमिंग ने आज अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला, आई वॉज वेरी इमोशनल आफ्टर द इवेंट, मेरे से वर्ड्स भी सही से नहीं बोले जा रहे हैं, सबको लग रहा है यार, क्योंकि गाइज हर एक प्लेयर 4 साल तक इंतजार किया है इस चीज के लिए। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एलेक्सा भाई के बारे में, जिन्होंने 22 तारीख को यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पे उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम पे 1,00,000 बार जय श्री राम बोला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गाइस 1,00,000 बार जय श्री राम ऑन लाइव स्ट्रीम दूसरी टाइम गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, धन्यवाद यार, रामचंद्र भगवान की जय, जय 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 श्री राम।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो क्या अज्जू भाई अब फ्री फायर को खेलना छोड़ देंगे? ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस अज्जू भाई गए थे दिल्ली में, जो कि सैमसंग S24 का लॉन्चिंग इवेंट था, जहां पे काफी बड़े बड़े क्रिएटर आए थे और वो सबसे मिले, सबसे बातें किए और उन्होंने पायल गेमिंग के साथ भी मिला और कोलैब करने की बात हुई। आने वाले टाइम पे वो पबजी भी खेलेंगे, उन्होंने बताया ब्लॉग में ही। चलिए मैं उस ब्लॉग को दिखाता हूँ आपको। हेलो, कैसे हो, क्या हाल चाल? ये पता है आपको, मुझे लगा था कि आपका फेक फेस रिवील हुआ है। मैंने डबिंग किया था ना पहले वाले वीडियो में, इस वजह से। अच्छा, आप मेरे को आपका मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट बताओ ये रिवील होने के बाद। मतलब ऐसा कुछ हुआ किसी फैन ने पहचान लिया हो आते हुए? वो तो पहले भी होता रहता था, अभी तो कंफर्म हो गया था। हाँ, तो ऐसे आपके वॉइस से भी पहचानते थे लोग? हाँ, वॉइस से पहचान लेते थे। तो इस वजह से तो मैंने अहमदाबाद बोल के रखा था। सूरत में तो जा रहा हूँ, सूरत में कुछ खाना खाने के लिए, वहाँ पे भी आवाज़ से लोग पहचान रहे हैं। क्या बात तो है। इस वजह से मैंने अहमदाबाद बोल के रखा था जी। अच्छा ये बताओ, आप मुंबई और दिल्ली गए हो दोनों? मुंबई, हाँ दिल्ली गया हूँ, दोनों मुंबई भी गया हूँ। हाँ, सो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि मुंबई बेटर है या दिल्ली, तो आप मेरे को दोनों जगह की नहीं हो तो आप ऑनेस्ट आंसर दोगे ना? हाँ। तो आपको क्या बेटर लगता है, मुंबई या दिल्ली? मुंबई। मुंबई ना? हाँ, दिल्ली में पोल्यूशन है, मतलब मेरे को अभी गला मेरा पूरा खराब हो गया है ना। इसे ठंड में अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन ऐसे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत पोल्यूशन। मुंबई में ट्रैफिक है बट पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से मेरा गला वहाँ पे खराब नहीं हुआ था। यहाँ पे कल आया, अभी गला खराब है। आप मुंबई टीम हो ना? हाँ, मुंबई टीम। कैसा खेला आपको, कैसा लगा मेरा गेम? आपने बढ़िया खेला, पेन फाइट बहुत सही था, उससे पहले भी आपने बढ़िया खेला बट पेन फाइट एक नंबर था, मजा आ गया। बहुत सही था, बहुत सही था, वन ऑफ द बेस्ट। अभी मुझे टोटल गेमिंग ने अप्रूव दे दिया, मतलब मैंने सबसे बेस्ट खेला। हाँ, मैंने सही खेला ना? अरे आपने बेस्ट, बस फर्स्ट टाइम भी सबसे बढ़िया खेला। हाँ, अब खेलोगे अभी ये गेम? ये गेम मैं कब खेलता हूँ, ट्राई करो कभी खेलो। हाँ पक्का, क्यों नहीं, पक्का, पक्की बात। देखो अभी अज्जू भाई को वीडियो में खिलाने वाले हैं, खेलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस आइए हम बात करते हैं फ्री फायर इंडिया को लेकर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज, जो कि हमें हिंट भी दे रहा है फ्री फायर इंडिया का लॉन्चिंग डेट के लिए। तो गाइस SSN आर्मी और TSG के ऋतिक भाई गए हैं फ्री फायर की इवेंट शूट में और उनका शूटिंग भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो फोटो को। तो गाइस आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये फ्री फायर इंडिया का ही शूट होगा तो पक्का हमें जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में अंदर हमको देखने को फ्री फायर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।